गुड इवनिंग एवरी वन, दिस इज सुनील एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन अनदर करंट अफेयर टॉपिक दैट इज 12 जून 2021 का करंट अफेयर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, नंबर वन क्वेश्चन में आएगा, नंबर वन करंट अफेयर में आएगा क्या है, व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा संस्थान टॉप पर है? आपका आंसर क्या होगा? ये होगा आपका IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे प्लेस द टॉप रैंक इन द व्हाट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। नंबर वन पर कौन आता है? मीट, MIT। मीट का फुल फॉर्म क्या है? एज आई हैड टोल्ड यू यस्टरडे दैट मीट मींस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉलोड बाय योर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, और ये तो भारत का टॉप रैंक पर आ रहा है, लेकिन उसका रैंक कितना है? उसका रैंक है 177 पोजिशन में भारत का पहला ये है, एक नंबर पर है, लेकिन वर्ल्ड को देखेंगे तो 177 पोजीशन में आ रहा है। ओके, रिसेंटली स्टिल हुई चेयर भारत पे हैज बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ICC। ICC की ऑफिशियल पार्टनर भारत पे कौन सा ईयर तक है? ये है आपका आंसर क्या होगा? ओके, आपका आंसर होगा 2023 तक भारत पे को ICIC का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। ओके, नंबर थ्री में कौन सा आ रहा है? हु हैज टॉप इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया कैटेगरी रिसेंटली रिलीज बाय फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड बेस्ट बैंकिंग इन इंडियन कैटेगरी में किसको रखा गया है? ये है आपका आंसर क्या है? ओके, सोच के बोलिए। ये है आपका DBS बैंक। ओके, DBS बैंक इज द टॉप इन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया कैटेगरी रिसेंटली रिलीज बाय फोर्ब्स। ओके, अभी फोर्थ नंबर में देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। हाल ही में जारी किए गए डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इसका रैंक है 55। भारत का रैंक 55। ओके, नंबर फाइव, रिसेंटली इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। हाल ही में अभी इंडो थाई कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जारी किया गया था, उसमें भारत के साथ कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट किया था? ये है आपका आंसर थाईलैंड। ओके, व्हाट? थाईलैंड। Who has recently won the title of US Women's Open Golf Tournament? US Women Open Golf Tournament का टाइटल किसने जीता है? What will be your answer? Your answer will be your Juka Sasso. SASSO, Juka Sasso has won the title of US Women Open Golf Tournament. ओके, नंबर सेवन में क्या आएगा? Who has recently won the prestigious Green Premier Award 2021? हाल ही में prestigious Green Premier Award 2021 का किसने जीते हैं? ये What will be your answer? Your answer will be Dr. Charu Khosla. Okay, Dr. Charu Khosla को अभी prestigious award मिला है। कौन सा prestigious award? Prestigious Green Premier Award मिला है। Okay? Number eight पर कौन सा question है? Who is state top? Who is state top in the recently released
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल, हाल ही में स्कूल के द्वारा जारी हो गया जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा स्टेट, भारत का कौन सा स्टेट टॉप किया है। आपके आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर आंसर विल बी पंजाब। व्हाट? पंजाब। पंजाब हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल। स्कूल में जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हुआ था उसमें पंजाब एक नंबर में आ रहा है। ओके, नंबर 9, हुईज फिल्म हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द बेस्ट फिल्म फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन द नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है। ये है आपका आंसर होगा क्या, वाटर बरियल, वाटर बरियल, बरियल, वाटर बरियल मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड चुना गया है। किसके लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ओके, नंबर 10, आखिरी, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट 2021 में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार भारत का रैंक कितना है। भारत का रैंक, योर आंसर विल बी 117th रैंक। ओके, 117th रैंक। ओके बाय, थैंक यू।